अपनी वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है तीन चीज़ों की, जो कि पहला है आपका मोबाइल या तो फिर आपका कैमरा, सेकंड आता है माइक और तीसरा आता है। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो दुनिया इन्फो, दिस इज़ राम। होप कि आप लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई आज के डेट में सभी यूट्यूब पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहे हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो अनबॉक्सिंग से रिलेटेड हो। और अगर आप लोग स्टडी का वीडियो बनाते हैं, स्टडी का चैनल बनाते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि टॉप लेवल से हमें वीडियो शूट करना पड़ता है। अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं तो फेस दिखाने के लिए आप वाइट बोर्ड का यूज करते हैं, अदरवाइज कुछ बंदे विदाउट फेस दिखा करके स्टडी वीडियो बनाते हैं और अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाते हैं। अनबॉक्सिंग वीडियो या फिर स्टडी वीडियो टॉप लेवल से रिकॉर्ड करने के लिए हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपनी वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है तीन चीज़ों की, जो कि पहला है आपका मोबाइल या तो फिर आपका कैमरा। कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल भी बहुत अच्छी क्वालिटी दे देता है। सेकेंड आता है माइक, क्योंकि वीडियो की जान होती है उसकी आवाज़। अगर आवाज़ अच्छी होगी तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगती है और देखने में अच्छा लगता है। और तीसरा आता है स्टैंड, ट्राइपॉड। अगर आप ट्राइपॉड यूज़ करते हैं तो वो वीडियो शेक नहीं होगी। अगर आप ट्राइपॉड यूज नहीं करेंगे तो मोबाइल की जो क्वालिटी है या फिर कैमरे की जो क्वालिटी है ख़राब हो जाती है, इसलिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने माइक भी लगा लिया है, मोबाइल से रिकॉर्ड हम कर ही रहे हैं। तो आज हमने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है अमेजोन से, जो कि इसे बूम आर्म कहते हैं, बूम आर्म मोबाइल स्टैंड, और ये टॉप लेवल से हमारी वीडियो को रिकॉर्ड करता है। तो वो प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है जिसे बूम आर्म स्टैंड कहा जाता है। इसमें आप मोबाइल स्टैंड हैंग कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें कैमरा भी हैंग कर सकते हैं, बट ये सिर्फ मोबाइल के लिए बना हुआ है और कैमरा इसमें अटैच करने पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लाइट वेट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, ये है वो पैकेट और इस बॉक्स के अंदर में बूम आर्म मोबाइल स्टैंड पैक हो रखा है और इसका नाम है प्रोफेशनल मोबाइल टैबलेट यूनिवर्सल स्टैंड ले रखा है, स्टैंड। ठीक है, तो हम इसे अब अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है और इसे हम असेंबल भी करके दिखाएंगे। मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया था और मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए दोबारा से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो ये इसका बूम आर्म है, मोबाइल होल्डर है और ये है इसका बेस लॉक। तो मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ आपको बेस लॉक, जो कि ये पूरा स्टेनलेस बॉडी का बना हुआ है, फुल मेटल बॉडी है, कोई भी प्लास्टिक नहीं है इसमें और बहुत ही हैवी क्वालिटी है और थोड़ा वेट भी है इसके अंदर। और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको मोबाइल होल्डर। मोबाइल होल्डर जो है प्लास्टिक का है बट ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ये टूटने का चांस नहीं है। और अब आते हैं हम अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ में, जो कि ये स्टैंड है। ये है वो आर्म स्टैंड, जो कि एक फ्लेक्सिबल स्टैंड है और इसे आप कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये खुल जाता है और ये फोल्ड हो जाता है। अब मैं इसको आपको असेंबल करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि इससे हम स्टडी की वीडियो या फिर अनबॉक्सिंग की वीडियो किस तरह से बनाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे असेंबल कैसे किया जाता है और यूज कैसे किया जाता है। इससे आप अपने स्टडी की वीडियो बनाएंगे या तो फिर अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। तो हम असेंबल करते हैं, जरा नीचे दिखाओ। तो सबसे पहले हम अपना बेस को उठाते हैं और यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, इसे हम लूज़ करके अपने टेबल पे या फिर बेड पे कहीं भी जैसा आपको सूटेबल लगता है आप वहाँ पे फिक्स कर देंगे। सिंपल इसमें चूड़ी दी हुई है और इसको बस यहाँ से रोटेट करके टाइट करना है। तो ये मैंने टाइट कर दिया, तो देखिए अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब इसके बाद से इस स्टैंड की बारी आती है, जो कि फोल्डेबल स्टैंड है। अब हम इसको इस बेस के अंदर फिट करेंगे। ये जो इसका लेग है इसको इसके अंदर पुश कर देना है और इसके साथ में हमें मिलता है एक स्क्रू, जो कि यहाँ पे पीछे इसको टाइट करने के लिए दिया गया है। ये टाइट ले करने के लिए दे रखा है क्योंकि अगर हम इसको ना लगाएं तो ये इधर उधर मूव करेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे।
टाइट कर देने के बाद में ये देखिए कहीं भी ये मूव नहीं कर रहा है और हम इसे सिंपल इस तरह से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है एक मोबाइल होल्डर के लिए जैक दिया हुआ है जो कि बॉल टाइप में है। अब इसके अंदर इस मोबाइल होल्डर को हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए सिंपल इसको यहाँ से ओपन करना होगा क्योंकि ये लूज़ हो जाएगा तो भी इसी के अंदर इस तरह से ये जाएगा। सॉरी, पहले आपको इस जैक को, इस लॉक को इसके अंदर लगा देना है और फिर इसको इसके अंदर पुश करना है, फिर इस चूड़ी को इस पे टाइट करना है। एक मिनट, इस तरह से टाइट कर देना है और उसके बाद से आपको पहले अपना एंगल सही कर लेना है। इसको पहले सही से टाइट कर लेना। मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ इस तरह से। अब मैं इसके अंदर एक मोबाइल लगाता हूँ। तो ये देखिए, ये एक मोबाइल है और मैं सिंपल इसको इसके अंदर लगाऊंगा। कोई भी मोबाइल यूज़ करता हूँ तो मैं इसका फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं करता, इसका बैक कैमरा ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे क्वालिटी बेस्ट मिलती है। तो हमें इस तरह से लगाना है, इस तरह से नहीं लगाना। मैं इसका कैमरा ओपन कर देता हूँ, कैमरा अब वीडियो पे, और मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड कर देने के बाद में अब मैं इसको इसके अंदर लगा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा जो नीचे का पोर्शन है इस तरह से रिकॉर्ड होगा। अब ये हमारा सेटअप रेडी हो गया। थोड़ा पीछे से दिखाओ कैसा लग रहा है। ये हमारा सेटअप रेडी हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगर हमारा कुछ अनबॉक्सिंग का, हम कुछ अनबॉक्स कर रहे हैं, सपोज डैट मैं इस माइक को अनबॉक्स करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी इजीली दिखा सकता हूँ अनबॉक्स करके। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा कोई चैनल स्टडी का चैनल है तो मैं उसको किस तरह से मैनेज करूँगा, नीचे दिखाना। अब ये देखिए, आपका मोबाइल इस तरह से सेट होना चाहिए जो कि ये जो पेज है मेरा या फिर ये जो फ्रेम है मुझे एक्यूरेट रखना है, ताकि जो मेरा यहाँ पे जो भी मैं कुछ लिखूँगा इसमें सही से दिख जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ा इसको टाइट कर दूँगा ताकि ये इधर उधर शेक ना हो। यहाँ से मैंने टाइट कर दिया, अब ये कहीं भी शेक नहीं होगा। अब सिंपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख करके पढ़ा सकता हूँ। सपोज डैट कि हम स्टडी वीडियो शूट कैसे करें, तो यहाँ पे मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ और मेरा कैमरा अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो गाइस, ये है प्रोडक्ट स्टडी या फिर अनबॉक्सिंग करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसे आप यूज़ करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो। अब हम बात करते हैं हम अपनी आवाज़ को कैसे इम्प्रूवमेंट में लेकर के आएँ, यानी कि हमें माइक कौन सा यूज़ करना चाहिए। माइक यहाँ पे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिया है कोडेक का माइक, ये बहुत ही अच्छा माइक है। हालांकि मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे पिछले वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। ये मैं कोडेक का माइक इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें कोई भी बैटरी या फिर सेल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो कोडेक का माइक है इसके अंदर हमें दो ऑप्शन मिलता है। पहला तो ये कैमरे के लिए है, अगर आपको इस माइक को अपने मोबाइल में यूज़ करना है तो आप इस स्प्लिटर का यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। सिंपल इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, देन ये जो जैक है अपने मोबाइल के जैक पिन में, जैक होल्डर में लगा देना है और सिंपल इसको आप यहाँ लगा लीजिए या तो फिर आप यहाँ पे इसे हैंग भी कर सकते हैं किसी तरह से जुगाड़ करके। सिंपल यहाँ पे रख भी दोगे तो आपका वॉच रिकॉर्ड होता रहेगा और उसके बाद से आप अपना वीडियो शूट कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी की वीडियो हो चाहे वो अनबॉक्सिंग की वीडियो हो। और इस तरह से वीडियो को शूट करने के बाद आपके वीडियो में चार चांद लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अमेज़ोन से परचेज़ किया है जो कि मेरे को ये मिला है 999 रुपये, 1000 रुपये का। मैं इसे ऑफलाइन परचेज़ करता तो शायद से मेरे को ये सस्ता मिलता, बट आप लोग जानते ही हो लॉकडाउन लगा हुआ है तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप परचेज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो गाइस, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचें। हम मिलेंगे आपको अपने न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।